कैसे इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं, जो कि 4 ट्रॉफी का आप देखोगे तो एक टाइम पे 3 मैचेस थे, मैंस वाले और वुमेंस वाले भी 2 है। तो मैं हर एक मैच कवर कर रहा हूँ, इन 2 मैचेस के मैं वीडियो शूट करके रख लिया हूँ और इस मैच के भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और 6 घंटे में मैच स्टार्ट हो जाएगा और रात के 3 बजे मैच है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये मैच उतना स्पेशल नहीं है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ये सबसे अच्छा मैच है 3 बजे का, सबसे अच्छा मैच है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप इन 2 को मैचेस को स्किप कर सकते हो, लेकिन ये वाला मैच काफ़ी स्पेशल रहेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स इसमें और एक तरफा विन कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं मैच स्टार्ट होने में, हम हर आपको पता है कि हम लोग हर एक मैच कवर करते हैं। तो फाइव टीम प्ले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, आप यकीन मानिए आपने टेलीग्राम चैनल तो बहुत से ज्वाइन किए जो कि आपसे पैसे वगैरह मांगते हो, लेकिन आप यकीन मानिए ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं होगा ज्वाइन किए जहाँ पे हर एक मैच कवर करते फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ हर एक मैच, और 15 मिनट पहले फाइनल टीम मिल जाते हैं किसी भी मैच का। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, लिंक 100% काम करता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना। सर्च करने से ना मेरे नाम से हजारों फेक चांस बने हुए जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, फेक मत कीजिएगा, 37,500 से ज़्यादा लोग है उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेक मत कीजिएगा, ठीक है। ये पे 5 टीम दे दूंगा, देखो मैंने आपको बोला हूँ 6 के 6 मैचेस कवर करूँगा, जो सारे मैचेस ना हर एक मैच कवर करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल जोर से ज्वाइन कीजिएगा, फेक मत कीजिएगा, ऑफिशियल ज्वाइन कीजिएगा। मैं बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म यहीं पर दूंगा और अगर कोई अपडेट आएगा तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा तो उससे पहले। उसके अलावा ये जो मैच खेला जाएगा वही 3 बजे, कितनी बार बताऊँ, 3 बजे मैच स्टार्ट होगा, 9:30 बजे वहाँ का लोकल टाइम रहेगा, जिससे जैसे जैसे अपने सुबह होगा वैसे वैसे वहाँ पे रात होगा न्यूजीलैंड में, ऐसे ही मतलब बताऊँगा, लेकिन अब थक गया बोल बोल क्या है। ये मैच अलग विकेट पे खेला जाएगा, वो मैच सेक्सटॉन में खेला गया था, वो मैच कहाँ, जो सेकेंड वाला मैच कहीं और खेला जा रहा है और थर्ड वाला मैच कहीं और है। देखो ये मैच खेला जाए क्रिस्टनगंज में मैच खेला जाएगा, न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा, हेडले ओवल में मैच खेला जाएगा। बात करते पिच रिपोर्ट, ये जो विकेट है थोड़ा सा अलग विकेट, इस विकेट पे ये जो विकेट है बैटिंग फ्रेंड विकेट, लेकिन आप ध्यान से देखो इस विकेट पे अभी तक 24 मैचेस खेलेगी जिसमें से अभी तक देखोगे जो टीम पहले बैटिंग की है वो 12 मैच जीती है, जो टीम चेस की है 11 मैच जीते और एक मैच यहाँ पे हो गया होगा ड्राई, ठीक है ड्राई हो गया होगा। तो मान के चलिए कि जो टीम पहले बैटिंग की थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि 12 ही मैच तो जीती है, 13 मैच थोड़ी नहीं जीती है भाई, तो ये पे ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन पिच बैटिंग फ्रेंडली है। अगर आप एवरेज निकालोगे तो 250 का तो एवरेज है, 248 का तो एवरेज ही निकल के आ रहा है, तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वैसे न्यूजीलैंड के जो विकेट्स रहते हैं वो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स ही रहते हैं। वेदर रिपोर्ट, ये जो वेदर है क्लियर, ऐसा कोई बारिश का चांस नहीं है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हवा तेज रहेगा, बादल रहेंगे, लेकिन ऐसा बारिश के चांस वगैरह थोड़ा सा कम है, लेकिन हो भी सकता है तो ध्यान रखिएगा, लेकिन बादल जूस रहेंगे और हवा भी रहेगा। उसके अलावा कैंटरबरी किंग्स की बात करते हैं, सबसे पहले लाइनअप्स में ओपन करेंगे कैंटरबरी किंग्स के टीम से ओपन करेंगे मिचेल है, ओपन करेंगे टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर है, ओपन के चैट ब्राउसी के साथ ओपन, भाई चैट ब्राउसी नाम भी है, हालांकि पावर हिटर कहा जाता है लेकिन बहुत कम मैचेस में चलता है। हैनी निकोल्स जो कि बहुत दिन बाद इनका नाम लिया, टीम से अच्छा प्लेयर, वाडा बैटिंग करता है, हिटिंग तगड़ा करता है, बहुत ही सीनियर प्लेयर है न्यूजीलैंड का, आपको पता है ये चीज़ें। लियो कार्टर फोना बैटिंग करेंगे, मैट बॉली अवेलेबल है, कॉली मैकेंजी जो कि फोन में बैटिंग करने भी आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, काफ़ी तगड़ी हिटिंग करता है, प्लस कैप्टन से प्लस 10 ओवर बॉलिंग कंफर्म करेगा। एंग्यूज भी अवेलेबल है, उसके अलावा माइकल रिपोन भी अवेलेबल है, माइकल रिपोन जो कि आपको पता है कि अच्छी बॉलिंग करता है, फ्रेशर शीट जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग भी तगड़ी करता है। नीचे उसके लिए देखोगे इस मैच के लिए माइकल है भी अवेलेबल है, कैली जेमिसन जो कि बहुत लंबा ऊंचा कद का प्लेयर है, बहुत लंबा प्लेयर है, इतना जोर से बॉल फेंकता है कि सामने वाला भी हिल जाता है, इतना लंबा प्लेयर है, इसलिए इसको विकेट मिल जाता है कैली जेमिसन को। तो आप सीबीसीबी कर सकते हो, कैली जेमिसन से हिटिंग अच्छी करता है कैली जेमिसन। तो ये है कैंटरबरी किंग्स का लाइनअप। बात करते हैं वेलिंगटन फायरबर्ड्स का, तो वेलिंगटन फायरबर्ड्स की टीम में से टॉरी जोनसन ओपन करेंगे, कैलियन मैकलेंचन के साथ ओपन करेंगे, वर्नर बैटिंग करेंगे, गेट सेवलिन जो कि टीम से वर्नर बैटिंग करेंगे, निक किली जो कि टॉप ऑर्डर का ओपनर बल्लेबाज है, इस बार कैप्टनसी करते हुए फोन बैटिंग करेंगे, मे बी ओपनिंग करने वाले आ सकते हैं, निक ग्रीनवुड भी एक ओपनर ही है, पीटर यंग हस्बैंड जो कि भाई पीटर यंग हस्बैंड अगर 2021 से फिर 2020 अगर खेले हुए इंडिया, आपको 2020 में वो सुपर स्मैश था, आपको याद होगा पीटर यंग हस्बैंड कितना अच्छा हिटिंग करता है, प्लस बॉलिंग भी करता है पूरे ओवर, नैथन स्मिथ भी बहुत अच्छी हिटिंग करता है, जेम्स भी है, नैथन स्मिथ भी बहुत तगड़ी हिटिंग करता है। उसके अलावा माइकल स्टैंडन भी अवेलेबल है, टीम रॉबसन भी अवेलेबल है, पेंसर जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करता है टीम से। तो ये है वेलिंगटन का लाइनअप्स और ये है
कैंटरबरी किंग्स का लेग स्टैंड। बात करते हैं सीधा सीधा प्ले बाय एनालिसिस से, क्योंकि भाई बहुत कम टाइम है, हमें और भी वीडियो शूट करने, और भी तीन वीडियो सभी और शूट किए, तीन ही वीडियो में शूट किया और तीन और शूट करने, एक वीडियो एडिटिंग पे, एक वीडियो अपलोडिंग पे और एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। सोचिए कितना एफर्ट्स लग, तो इसके लिए तो लाइक करके जाना प्लीज़। सभी से रिक्वेस्ट है, 50K का टारगेट है, 50,000 सब्सक्राइबर करना है, तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लिया इसी साल करना है, 50,000 सब्सक्राइबर्स इसी साल। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, बट बहुत छोटा सा नंबर है भाई, बहुत छोटा सा नंबर है 50,000। तो जो उसे ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, लिंक 100% काम करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई टेलीग्राम चैनल। एंड बात करते प्लेयर एनालिसिस से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ को हम कवर करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं। बात करते विकेट कीपर सेक्शन की, उससे पहले दोस्तों वीडियो आपको जूस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर, सेट कर आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्किप किए तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि जो प्लेयर्स नहीं है अवेलेबल उसको भी लोग पिक कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर रहे हैं, टॉम लेथम, डेविन कॉनवे, टॉम प्लेंडर, ये शायद तीनों ही अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल कौन है भाई, पर देख लेते हैं विकेट कीपिंग कोर के, एक मिचेल है ठीक है, उसके अलावा मिचेल है, उसके इधर की विकेट कीपिंग कौन कर रहा है, तो भाई एक बार इसका ध्यान रखिएगा। इस मैच के लिए टॉम लेथम, टॉम ब्लेंडल भी अवेलेबल नहीं है अभी इस बार, तो भाई तो इस बार कौन हम टीम दस देखोगे, तो मैं प्रेफर करूँगा आप फिलहाल के लिए अपनी टीम में भी किसी को पिक कर सकते हो, तो एकमात्र अच्छा ऑप्शन है जो कि मिचेल है, जो कि ओपनर भी है, ओपनिंग भी कर लेगा और विकेट कीपिंग यही कर रहा है, तो हमने तब वगैरह सब नहीं है अवेलेबल, इसको कवर मत कीजिएगा फिलहाल के लिए। हाँ एक कॉलम मैकलिंचन अवेलेबल है, मे भी अच्छा ऑप्शन हो, बट मिचेल है एक्सपीरियंस प्लेस में कवर कर रहा हूँ, ये विकेट कीपिंग अपने टीम की तरफ से करेगा, ये अवेलेबल नहीं टीम, ये अपनी टीम से विकेट कीपिंग करेगा, दोनों ओपनर लिखा गया है, मैं मिचेल है प्रेफर करूँगा, अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ 4-5 सिलेक्शन है अवेलेबल, लेकिन ये सब अवेलेबल नहीं, तो इसको कवर मत कीजिएगा, यही दो अवेलेबल है। उसके अलावा हैनी निकोल्स जबरदस्त हीट आई टीम से, हीटिंग तगड़े करते हैं और आपको पता है कितने पुराने प्लेयर है, अच्छे रहेंगे टीम से, निक के लिए अच्छे रहेंगे टीम से कवर कर लो, क्योंकि बैटिंग भी अच्छे करते हैं, 50 का गेम है, बैटिंग आ ही जाएगी, वैसे भी सुपर सर्स में कैप्टनसी प्लस ओपनिंग है, चैट बॉस ही अच्छा है, एम आवास अवेलेबल नहीं है, तो कवर मत करो, 52% सिलेक्शन, 42% सिलेक्शन, बट कवर मत करो। उसके अलावा जी सैरविन अवेलेबल है, लियो कार्टर अवेलेबल है भाई, लियो कार्टर मेरा हरियाणा लियो, हाँ लियो कार्टर अच्छा प्लेयर टीम बस भाई, क्या अवेलेबल है, लियो कार्टर फोर ना बैटिंग कर लेगा, चाहो तो कवर करके चल सकते हो। उसके अलावा कैलम मैकलियर भाई, एक टाइम तब था कैलम मैकलियर के ऊपर भी रिस्क लेता था, अब अवेलेबल ही नहीं, ग्रीनवुड अवेलेबल है, कवर कर सकते हो। मैं फिलहाल ये तीन पिक कर रहा हूँ, अगर फोर्थ पिक करना तो लियो कार्टर, निक ग्रीनवुड में से किसी को पिक, जिसमें मैं लियो कार्टर प्रेफर करूँगा, हालांकि जी सेवन भी अच्छा टीम से। उसके अलावा डैरिल मिचेल अवेलेबल है, रचिन रविंद्रा भी है, माइकल अवेलेबल है, लोबिन बेक अवेलेबल है, नैथन स्मिथ है, माइकल भी अवेलेबल नहीं, कॉली मैकेंजी है, पीटर हैंडसकॉम है, नीचे एस डेबी भी नहीं है, तो साइड रखिएगा। तो मैं प्रेफर करूँगा जो अवेलेबल है, माइकल रिपोन अवेलेबल है, नैथन स्मिथ 6% सिलेक्शन है, तो लोग क्यों ड्रॉप कर भाई, बहुत तगड़ी टिक जाते, ये अवेलेबल तो क्यों कवर कर रहे भाई। उसके अलावा देखो माइकल ब्रोस विला ये भी अवेलेबल नहीं है, तो साइड रखिए। कॉली मैकेंजी कैप्टनसी कर रहे हैं इस साल भी, और मिडिल बैटिंग तो करेंगे। पीटर यंग हस्बैंड 3% सिलेक्शन है, लेकिन अवेलेबल है। नीचे एंग्यूस अवेलेबल है, तो चाहो तो कवर कर सकते हो। एस डेवी अवेलेबल था शायद, एस डेवी ना सी टी वी एस अवेलेबल नहीं भाई, इसको भी मत कवर करो, चार इनफ है और चारों ही अवेलेबल, चारों को कवर कर लो, ये सब अवेलेबल नहीं तो मत कवर कीजिएगा ठीक है, ये सब वर्ल्ड कप का टेंशन है। उसके अलावा मैट हेनरी, अभी मैट हेनरी अवेलेबल है क्या, मैट हेनरी सोडी वगैरह शायद नहीं है, रुको यार मैट हेनरी वगैरह सोडी देख लेते, नहीं अवेलेबल है मैट हेनरी सोडी वगैरह नहीं है, जो अवेलेबल उनको कवर कर लो, जैसे कि कैली जेमिसन अवेलेबल, बहुत ऊंचा करके बहुत इनकी हाइट देखना भाई, मिचेल है, उसके अलावा माइकल है भी अवेलेबल है, बेन स्टोक्स भी अवेलेबल है, एडम मिलने अवेलेबल नहीं है ना, इस सोडी अवेलेबल है, नो कोई भी अवेलेबल, एडम मिलने शायद देख लेते, एडम मिलने नहीं, एडम मिलने भाई अभी इस बार भी अवेलेबल नहीं है भाई, नीचे देख ले तो कोई अवेलेबल हो तो। हैंड्रेस सिप्ली अच्छी हीटिंग करता है, लेकिन हैंड्रेस सिप्ली भाई वो भी अवेलेबल नहीं है, जो देखो जो 11 प्लेयर्स दिया ना दोनों टीम से, उन्हीं में से आपको पिक करना है, फालतू की इधर से मत पिक करना, ये तो बाद में पछताओगे, क्योंकि मेरी लाइन हमेशा कन्फर्म ही रहता है ठीक है। नीचे कोई भी खास नहीं है, एडन न्यूट्रल अगर खेलता तो ट्राई कर, एडन बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बाकी कोई नहीं, एफ सीट अवेलेबल है, लेकिन एफ सीट अवेलेबल है भाई। उसके अलावा ये स्मॉल टीम है और मेरे हिसाब से स्मॉल टीम परफेक्ट है, जो प्लेयर्स अवेलेबल उन्हीं को मैंने कवर किया और काफ़ी बैलेंस और काफ़ी परफेक्ट टीम है। एज ए अपने टीम में कैप्टन मैं प्रेफर करूँगा, जो मुझे लगता है एज ए कैप्टन और जो प्लेयर्स अवेलेबल उन्हीं को मैंने पिक किया हो, तो अपनी टीम में नैथन स्मिथ, कैली जेमिसन, कॉली मैकेंजी एज ए कैप्टन, जिसका सिलेक्शन 1% मिल लोगों से सीवियर, बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन की मिलेगा, बैटिंग भी करेगा 10 रन बॉलिंग भी करेंगे, तो कॉली मैकेंजी एज ए कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन हैनी निकोल के साथ जा सकते हो,
जेड रॉसी थोड़ा सा बस ये ज़्यादा मतलब कि तेज खेलता है तो जल्दीबाजी में आउट हो जाता है। या फिर कैली जेमिसन को कर सकते हो वाइस कैप्टन, या फिर हैनरी निकोल्स को कर सकते हो। मैं अपना वाइस कैप्टन हैनरी निकोल्स के साथ जाता, लेकिन मुझे कैली जेमिसन से इस वजह बहुत होप है क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे इस वजह देखो, अगर आप पहले बैटिंग करता है तो नैथन स्मिथ को भी किया जा सकता है, या फिर मिचेल रिपोन को भी कर सकते हो, माइकल रिपोन को, फिर हैनी निकोल्स को। बट मैं थोड़ा सा रिस्की टीम ट्राई करना चाह रहा हूँ। कैली जेमिसन बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बहुत तेज बॉल फेंकता है, सामने वाला झेल नहीं पाता इनका बॉल, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वैसे भी सिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सीनियर जो वेलिंगटन है उसके पास सीनियर प्लेयर्स है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से एक तरफा विकेट आज लेके दे सकते हैं। अगर टीम पहले बॉलिंग किया तो मैं भी कैप्टन में कैली जेमिसन के साथ जाऊंगा और वाइस कैप्टन कॉली मैकेंजी या फिर हैनी निकोल्स को ट्राई करूंगा। कॉली मैकेंजी के साथ आपके कैप्टन इसलिए हो, कैप्टनसी कर रहा है, 10 ओवर बॉलिंग भी करेगा, मिडल बैटिंग भी करेगा कैली जॉनसन, इसलिए क्योंकि बहुत ऊंचा हाइट है इसकी, साथ ही साथ बहुत तेज बॉल फेंकता है, काफी अच्छी बॉलिंग करता है भाई, इसलिए अपना वाइस कैप्टन। अपना वाइस कैप्टन होता तो नैथन स्मिथ को भी कर सकते थे, या फिर पीटर यंग हस्बैंड को भी कर सकते थे, या फिर माइकल रिबोन भी चलेगा। सिटी भी थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट टीम है तो उन्हीं को फेवरेट मान के टीम बनाना, जो प्लेयर्स अवेलेबल उन्हीं को अपनी टीम में कवर किया, कोई फालतू के प्लेयर्स नहीं है, मिचेल है अवेलेबल विकेट कीपर तो उन्हीं के साथ जाओ। सेम टीम अकाउंट्स बुक कर दो, इन्वेस्टमेंट आप लिमिट में करना, हालांकि ये मैच सबसे मुझे बेस्ट लगा है क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग सो जाए इस समय, बट आप अगर मेरी टीम सेम टीम के साथ जाकर सेव करते हो तो आप डेफिनेटली जीतोगे यार। मिलता है टेलीग्राम पार्टी के साथ, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, बाकी मिल दो टेलीग्राम पर, ठीक है। ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स से लिंक भी है, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना। बाकी आपसे वीडियो देखने आपको सबके दिल से धन्यवाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट में जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर दो और टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, पार्टी वहीं पर शेयर करूँगा, आफ्टर टॉस चेंजेस तो करूँगा, और तीनों मैचेस से जाकर वीडियो देख लेना, हर एक मैच का वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जाना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, रात को उठने में हेल्प कर देगा, एक्साइटेड से सब्सक्राइब कर लेना। 50K का टारगेट पहले ही कंप्लीट करना, 50 सब्सक्राइबर का, और शेयर वीडियो शेयर कर दीजिएगा।